हाय फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ योनो SBI एप्लीकेशन में किस तरह से आप लॉगिन कर सकते हैं और उसे कम्प्लीटली यूज करना। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ योनो SBI में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपके पास SBI का यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक अकाउंट होना चाहिए। और अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं घर बैठे। अगर आपके पास स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड नहीं है तब आप घर बैठे लॉगिन नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको ब्रांच जाना होता है। सो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि डेबिट कार्ड के थ्रू योनो SBI एप्लीकेशन में कैसे लॉगिन करते हैं और किस तरह से उसका कम्प्लीटली यूज कर सकते हैं। सो चलिए वक्त जाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। योनो SBI में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको योनो SBI एप्लीकेशन को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना है या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करोगे आपके सामने योनो SBI एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का शो होगा। अब जस्ट आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले से अकाउंट है तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग SBI कस्टमर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा यूजर इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है योनो विल बी रजिस्टर्ड विथ द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड SMS विल बी सेंट फ्रॉम द सिलेक्टेड मोबाइल नंबर टू इनेबल वेरिफिकेशन फ्रॉम RMN। और यहाँ पर है स्टैंडर्ड SMS चार्ज शैल अप्लाई, यानी कि आपका जो भी सिम रजिस्टर्ड है यानी कि जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है बैंक अकाउंट में उस वो सिम आपके डिवाइस में होना चाहिए, यानी कि जिस डिवाइस से जिस मोबाइल से आप लॉगिन कर रहे हो उस मोबाइल में आपका सिम होना चाहिए जो बैंक में रजिस्टर है और आपका सिम कार्ड रिचार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सिम सेलेक्ट कर लेना है। आपका अगर SIM 1 में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो SIM 1 सेलेक्ट करेंगे या SIM 2 में है तो SIM 2 सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पर नीचे जो नेक्स्ट का बटन दिया गया है जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करते ही पेज रनिंग लेगा आपके सामने। यहाँ पर अब वेरीफिकेशन होगा, कुछ सेकंड तक वेट करेंगे, आपका मोबाइल नंबर चेक होगा आपके सिस्टम में। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पर चेक हो चुका है और यहाँ पर अब प्रोसीड का बटन आ चुका है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट योर SBI इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स। अब आपको जस्ट क्या करना है कि प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा यूजर इंटरफेस आएगा। अब आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, पहला ऑप्शन है रजिस्टर फॉर योनो विथ ATM कार्ड और दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि आपके पास ATM कार्ड है तो आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब अगर आपके पास ATM कार्ड है तो पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और ATM कार्ड नहीं है तो आपको ब्रांच जाना होता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास डेबिट कार्ड है तो मैं यहाँ पर रजिस्टर फॉर योनो विथ माई ATM कार्ड पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही इस बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा यूज़र इंटरफेस आ जाएगा। अब जस्ट यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन में आप कुछ भी नहीं भरेंगे तो भी चलेगा। तो चलिए ऊपर वाले दोनों ऑप्शन में भरेंगे, सबसे पहले अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ भर के यहाँ पर नीचे जो नेक्स्ट का बटन है जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। मैंने अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है, अब जस्ट नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, जस्ट OTP को यहाँ डालेंगे, जस्ट सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही यहाँ पर आपके सामने पूरी डिटेल्स आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट होल्डर का नाम आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका CIF नंबर आ जाएगा। यहाँ पर अब आपको जस्ट ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट ट्रांजेक्शन राइट, आप कैसा ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी सर्विसेज चाहिए वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे फुल ट्रांजेक्शन चाहिए तो यहाँ पर मैं फुल पर क्लिक कर देता हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी यहाँ पर फुल सर्विसेज सेलेक्ट करें और उसके बाद जस्ट नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करोगे यहाँ पर अब आपको अपने डेबिट कार्ड का यानी कि ATM कार्ड का लास्ट का 6 डिजिट डाल देना है। यहाँ पर मैंने अपने डेबिट कार्ड का नंबर डाल दिया है, अब जस्ट नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको अपने ATM कार्ड का पिन डालना है जो SBI के किसी भी ATM में जाके बना सकते हैं। जिस भी ATM मशीन में जाए वो ATM मशीन SBI का होना चाहिए, उसके अंदर आप आसानी से पिन बना लेंगे। उसके बाद उस पिन को आपको यहाँ पर इंटर करना है। जैसे ही सबमिट वाले बटन पर क्लिक करोगे
यहाँ पर अब आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप एक यूजर नेम डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको एक 8 अक्षर का पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको यूजर नेम कैसा बनाना है और आपको पासवर्ड किस टाइप का बनाना है। तो चलिए हम यहाँ पर सारी डिटेल्स को आपको बता देते हैं, उसके बाद अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है आपका जो यूजर नेम है वो मिनिमम 3 कैरेक्टर्स एंड मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और बिना स्पेस का होना चाहिए। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर लिखा गया है कंसिस्ट ऑफ ओनली कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स एंड नंबर्स। उसके बाद नोट बी ओनली नंबर्स, यानी कि केवल नंबर्स नहीं होने चाहिए, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। अब आपको पासवर्ड कैसा बनाना है, देखिए पासवर्ड आपको 8 से 20 कैरेक्टर्स के बीच में, यानी कि आपको पासवर्ड बनाना है 8 to 20 कैरेक्टर्स के अंडर। उसके बाद पासवर्ड भी आपका अल्फाबेटिकल, डिजिटल और स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए। आपका पासवर्ड कम से कम 8 अक्षर का होना चाहिए, यानी कि 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, और आपका पासवर्ड इस टाइप का कुछ होना चाहिए। यहाँ पर आपको दिखाया गया है, जैसे कि नीचे में पासवर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक एग्जांपल दिया गया है, इस टाइप का आपका पासवर्ड होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक पासवर्ड क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए यूजर नेम मैं सबसे पहले डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं SBL टेक्निकल मैंने यूजर नेम डाल दिया। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड, देखिए यहाँ पर यूजर नेम में बता रहा है इनवैलिड है, तो आपको वैलिड यूजर नेम कैसे डालना है। यहाँ पर SBL टेक्निकल है, यहाँ ऐट द रेट नहीं ले रहा है। यहाँ पर मैंने अपना यूजर नेम डाल दिया है। अब पासवर्ड मैं एक क्रिएट करता हूँ, स्ट्रांग पासवर्ड होना चाहिए। जैसे कि आपका पासवर्ड कुछ इस टाइप से होना चाहिए, आप यहाँ पर फ्रेंड्स देखते रहिए, पासवर्ड आपको ऐसे डालना है। जैसे कि मेरा नाम है तो मैं यहाँ पर डालता हूँ कैपिटल लेटर में, सबसे पहले S, उसके बाद HASHI, इसके बाद आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स डालना है, जैसे कि मैंने शशि डाल दिया। अब यहाँ पर ऐट द रेट, उसके बाद आप यहाँ पर कुछ डालेंगे, जैसे कि 1 2 3 #, और जो भी आप पासवर्ड बनाए उसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख ले, ताकि आपको पासवर्ड हमेशा आपके पास रहे, और कभी भी आपका पासवर्ड अगर आप भूल जाते हो तो इसमें लॉगिन नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको पासवर्ड दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पासवर्ड कुछ इस टाइप से क्रिएट करें और उस पासवर्ड का एक स्क्रीनशॉट रख ले या फिर कहीं लिख के रख ले। तो फ्रेंड्स इस टाइप से आपको पासवर्ड बनाना है। तो यूजर नेम और पासवर्ड कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया। अब इसी पासवर्ड को आपको यहाँ पर कॉपी करना है और यहाँ पर सेम पासवर्ड वो टाइप कर देना है। अब जस्ट नीचे जो कन्फर्म का बटन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म करते ही आपका यूजर नेम और पासवर्ड जो है सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यू हैव सक्सेसफुली एक्टिवेटेड योर अकाउंट ऑन योनो, यानी कि हमारा योनो SBI में जो है यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हम एप्लीकेशन में दोबारा से आएंगे, आपके सामने ऐसा यूजर इंटरफेस आ जाएगा। जस्ट यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका नाम देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन होगा लॉगिन का, दूसरा ऑप्शन है व्यू बैलेंस का, तीसरा ऑप्शन है क्विक पे। तो अगर लॉगिन करना है आप लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं, व्यू बैलेंस पर क्लिक करके अकाउंट के बैलेंस को देख सकते हैं और रिसेंट ट्रांजेक्शन्स देख सकते हैं, क्विक पे पर क्लिक करके आसानी से किसी को पेमेंट कर सकते हैं। सो चलिए सबसे पहले लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने ऐसा यूजर इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना MPIN डाल के आप यहाँ पर आसानी से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आपने जो यूजर आईडी बनाया है यूजर आईडी डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। जस्ट यूजर आईडी से लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर योनो SBI के सारे फीचर्स को आप देख सकते हैं। आप अपने अकाउंट के बैलेंस को देखना चाहते हैं, जस्ट यहाँ पर व्यू बैलेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आप अपने अकाउंट के बैलेंस को देख सकते हैं ऊपर में। अब अगर आप अपने अकाउंट की डिटेल्स को देखना चाहते हैं तो जस्ट आप यहाँ पर अकाउंट्स वाले बटन पर क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे ऐसा यूजर इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको आपके बैंक अकाउंट का नंबर और नीचे में आपके ब्रांच का नाम शो हो जाएगा। अगर आप पूरी डिटेल्स देखना चाहते हैं यहाँ पर आई वाले बटन पर क्लिक करेंगे और अकाउंट की पूरी डिटेल्स को देख सकते हैं। यहाँ पर आपका अवेलेबल बैलेंस दिखा दिया जाएगा। अगर आपने एफडी और आरडी किया हुआ है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और एफडी और आरडी को देख सकते हैं। आप अपने रिवार्ड्स को भी देख सकते हैं, यहाँ पर स्लाइड करेंगे ऊपर में और यहाँ पर आप माई रिवार्ड्स पर क्लिक करके आपको कितने रिवार्ड्स मिले हैं वो सभी आप यहाँ पर देख पाएंगे। सो यहाँ से हम बैक आते हैं। अब अगर आपको किसी को पेमेंट करना है जस्ट यहाँ पर योनो पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप UPI के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पर भीम UPI एंड QR पर क्लिक करेंगे। अगर आप बैंक डिटेल्स के थ्रू यानी कि बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं जस्ट इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर QR स्कैन से करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप योनो कैश करना चाहते हैं ये आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है योनो कैश, इस पर क्लिक करके आप कार्डलेस विथड्रॉल कर सकते हैं यानी कि बिना डेबिट कार्ड के आप ATM मशीन से पैसे निकाल सकते हो बिना अपने कार्ड को मशीन में लगाए हुए। इसके लिए आपको क्या करना है कि योनो कैश वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा यूजर इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें देखिए आपको क्या क्या फ़ायदा है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर है विथड्रॉल कैश विदाउट ए फिजिकल डेबिट कार्ड, बिना फिजिकल डेबिट कार्ड के आप कैश विथड्रॉल कर सकते हैं ATM मशीन से। उसके बाद आप कार्डलेस शॉपिंग कर सकते हैं और यहाँ पर सिक्योर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार ATM मशीन अगर नज़दीक में है तो ATM सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मेरे अकाउंट में है 10,529 रुपये, यहाँ पर कितना अमाउंट निकालना है वो अमाउंट यहाँ पर डालेंगे। जिस मैंने यहाँ पर 500 डाल दिया। अब जस्ट यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करते ही यहाँ पर आपको योनो कैश का पिन क्रिएट करेंगे। पिन डालने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे आपके नंबर पर एक OTP आ जाएगा। अब आपको अपने नज़दीक के ATM में जाना है और ATM मशीन में जाने के बाद आपको योनो कैश पर क्लिक करना है, OTP डालना है, जो मोबाइल नंबर पर आपके OTP आया है, और ये अपना पिन डालेंगे और उसके बाद आपको वहाँ पर अमाउंट भी दिखाएगा कि कितने अमाउंट का आपने रिक्वेस्ट किया है, और उसके बाद आप अपने पिन डालकर पैसे को निकाल सकते हैं बिना कार्ड से। अगर आप योनो SBI से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। सो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो देखकर आप लोग सीख चुके होंगे कि योनो SBI एप्लीकेशन में किस तरह से लॉगिन किया जाता है और उसका कम्प्लीटली यूज कैसे किया जाता है। सो अगर वीडियो पसंद आया है लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।